साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि 50 साल बाद आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखेगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, मगर अमेरिका में इस कुदरती नजारे को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वहां इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि विज्ञान इसे नई संभावनाओं को जानने का, उन्हें परखने का मौका समझता है। तैयारियां इधर भारत में भी हो रही है। भारत में ज्योतिषी सूर्य ग्रहण के मौके पर नई गणना करते हैं। ये गणनाएं ग्रह राशि और मूलांक के आधार पर की जाती हैं। ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहण का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, मगर विज्ञान इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आज हम ज्योतिषियों की नजर से सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे, विज्ञान की नजर से इसे परखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने वैज्ञानिक और ज्योतिषी मौजूद रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में हर किसी को 8 अप्रैल का इंतजार है, जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा की छाया सूर्य पर ग्रहण बनकर नजर आएगी। अमेरिका में साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर कौतूहल का आलम यह है कि ग्रहण का गवाह बनने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अमेरिका में जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण की पूर्णता नजर आने वाली है, वहां के होटल्स बुक हो रहे हैं और ऐसी जगहों पर लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भारत से या अन्य देशों से भी जाते हैं ग्रहण देखने? बिल्कुल, हमारे खुद जानकार हैं जो ऐसे, उन्होंने काफी साल पहले अपनी टिकट्स बुक करवा ली है। वो नायग्रा फॉल, टेक्सास, अमेरिका जैसी जगहों पर जाकर इस नजारे को देखेंगे। और जो वहाँ जो लोग रहते हैं, क्योंकि नासा इन सभी खगोलीय घटना को जो है अपनी वेबसाइट पे कास्ट करता है, तो जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इन वेबकास्ट माध्यमों से भी इस नजारे को देख सकते हैं। सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का साया भले ही इस बार भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी परंपराओं की ज्योतिषीय गणनाएं इस ग्रहण को अभी पढ़ने में जुट गई हैं। इस बार फिर ग्रहण को लेकर विज्ञान और ज्योतिषीय समझ एक दूसरे के सामने खड़ी है। विज्ञान की नजर में ये ग्रहण जहां खगोलीय घटना भर है, वहीं ज्योतिष इस ग्रहण को अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। कोई खगोलीय घटना होती है तो लोगों में खास इंटरेस्ट होता है इसको जानने का। अनफॉर्चुनेटली जो हम ये सूर्य ग्रहण, अब साल का पहला सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को आने वाला है, ये हम भारत से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसकी बेल्ट है, जिस बेल्ट पे ये ग्रहण जो है वो चालू होगा, दिखाई देगा, वो अमेरिका, टेक्सास और मैक्सिको की बेल्ट है। तो उस तरफ की कंट्रीज में ये नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये टोटल इक्लिप्स है। देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आकाशीय पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, स्थितियों का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण से राहु जिस प्रकार से सूर्य का अक्ष ग्रास करता है, ग्रहण लगाता है, तो उसके प्रभाव सूर्य पर पड़ता है और उसके अनुसार से उसकी छाया जो है सूर्य पर पड़ने के कारण से वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर एक छाया आच्छादित हो जाती है, उसका प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आकाशीय घटना तो है ही है, लेकिन ज्योतिष ने पराविद्या के अनुसार से इसका एनालिसिस इस प्रकार से करने का, समझने का प्रयास किया कि कोई भी खगोलीय घटना है, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो कोई भी कुंडली उसके प्रभाव से नहीं बच पाएगी। टोटल इक्लिप्स जब होता है तो वो पूर्णता उसको कवर करता है, मतलब चंद्रमा जो है प्रकाश को पूर्णता बाधित करता है, तो वो एक तरह से दिन में रात हो जाना जैसा नजारा जो दिखाई देता है, विजुअली बहुत सुंदर दिखाई देता है, परंतु हम भारत से इसको नहीं देख पाएंगे। जो खगोल में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोगों ने ऑलरेडी अपनी टिकट करवा ली है, क्योंकि इस तरीके के टोटल इक्लिप्सेस के नजारे जो है वो बहुत सालों में हमें बहुत कम बार दिखाई देते हैं। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली अमेरिका के इन भागों में जाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे व्यापक रूप से बहुत बड़ा ग्रहण है और इसका प्रभाव भी बड़ा व्यापक रहता दिखाई दे रहा है। इस वक्त यदि ग्रहों की स्थिति की हम बात करें तो वैसे ही ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। मंगल और शनि का आपस में युति बनी हुई है, वो टकराव की स्थिति है। साथ साथ सूर्य और राहु की युति भी इस वक्त बनी हुई है,
और सूर्य और राहु की युति के होने से ये लगातार मान के चले कि दो ग्रहणों का योग पड़ रहा है और ऐसे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी चंद्र ग्रहण गया है 25 तारीख के आसपास और उसके बाद अभी देखें तो ये 15 दिन बाद ही दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण आ गया है। तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। सूर्य पर ग्रहण के प्रभाव पर विज्ञान और ज्योतिष का अपना अपना नजरिया है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों पर भरोसा करने वालों के मन में ये सवाल है कि जब सूर्य अपने सबसे बड़े ग्रह से गुजर रहा होगा तो उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो 8 अप्रैल को महा सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले एक महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन चार राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। दुनिया साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर किस कदर उत्साहित है इसका अंदाजा गूगल की इस एनिमेशन से लगा लीजिए। सोलर इक्लिप्स टाइप करते ही गूगल शानदार एनिमेशन के जरिए दुनिया को सूर्य ग्रहण के उस इफेक्ट का एहसास करा रहा है जिसकी गवाह दुनिया 8 अप्रैल को बनने वाली है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। मान्यारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। नदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सुप्रियाकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मनीष पुरोहित जी फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो के हमारे साथ हैं। मनीष जी, शुरूआत आप ही से करना चाहूंगी, ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए कितनी बड़ी घटना है? देखिए, ग्रहण के टाइम पे मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट होंगे और जो कम्युनिटी होगी वो ढूंढ रही होगी कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, सोलर विंड्स के बारे में, जो हाई एनर्जी पार्टिकल सूरज से निकलते हैं, क्योंकि वो पार्ट है सूरज का जो जब सूरज चमक रहा होता है तो हमें नहीं दिखाई देता है। जब एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है जैसा कि अभी होने वाला है, और ये जो बेल्ट है जो मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के ऊपर से गुजरेगा, तो उस बेल्ट के अंदर जो भी लोग इस पर्टिकुलर फिनोमेना को विटनेस कर रहे होंगे उनके लिए उस वक्त दिन में रात हो जाएगी। वहां पर जो सूर्य की पूरी डिस्क है वो कवर हो जाएगी और उसके चारों तरफ जो पतला सा उसका जो कोरोना होता है उस कोरोना की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें धरती से उस कोरोना की परत को पढ़ना है जो सूरज के चारों तरफ है, उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो हमें दिखने लग जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सूरज की वो चमक एकदम से काली पड़ जाएगी, जब वो एकदम से एक्लिप्स्ड हो जाएगा, तब मरकरी के चारों तरफ के वाले बेल्ट में भी कुछ एस्ट्रॉइड्स है माना जाता है वो घूम रहे हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते, तो हो सकता है वो भी ट्रेस हो सके और हमें उस वक्त बाकी ग्रह भी छोटे मोटे जो उस अंधेरे में दिखने वाले होंगे वो भी दिख जाएंगे। तो कंप्लीटली साइंटिफिक फिनोमेना है ये, हमें और डेप्थ में पता करने में करेगा कि जो सूरज से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। और देखिए, अभी सूरज की मैक्सिमा की साइकिल आ रही है, यानी सूरज में अभी कुछ ऐसा होने वाला है ये जो 2024-25 का टाइम रहता है जहां पर सूरज अपने पीक पे होगा। इसके अंदर जो फिनोमेनास हो रहे हैं वो एकदम पीक पे होंगे। तो अब का जो एक्लिप्स है उससे हमें उस बारे में भी हिंट्स मिलेगा कि जब सूरज अपने पीक एक्टिविटी पे होता है, जब उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है, तो वो फिनोमेनास किस तरीके से ढलते हैं और उनका क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, चलिए नदिता जी, ज्योतिष शास्त्र कैसे देखता है इसको? देखिए, जहां तक ज्योतिष शास्त्र का सवाल है और जहां तक हमारी जितनी भी, हमने भी हर चीज रिसर्च पे बेस्ड होती है और पिछले 17-18 साल से ग्रहण पे स्पेशली ज्योतिष के नजरिए पे रिसर्च करती आ रही हूँ, और हमेशा ये देखा गया है कि जिस भी स्थान पे जो पाथ होता है किसी भी एक्लिप्स का, चाहे ल्यूनर एक्लिप्स हो या सोलर एक्लिप्स हो, उस पाथ में जो भी स्थान होंगे उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज या फिर एक मास अपहीवल होगा या सत्ता पलट होगा या किसी सेलिब्रिटी की डेथ होगी, कुछ उस तरह की चीजें जो कि एक मास लेवल पे कुछ चेंजेस लेके आती है और थोड़ा सा दूषित करती है स्थानों को। तो उस तरह के स्थान होते हैं और इट इज नॉट इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल पे कोई बहुत ज्यादा, एक मास मूवमेंट की एक देश में होगा या स्थान पे होगा और जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट होता है किसी भी पाथ में, चाहे अभी जैसे टोटल सोलर इक्लिप्स है, ऐसे ही टोटल सोलर इक्लिप्स अमेरिका में, उसको ग्रेट अमेरिकन इक्लिप्स बोलते हैं, 2017 में आया था।
उस समय उससे 6 महीने पहले हमने उस उन स्थानों के बारे में भविष्यवाणी की थी, अमेरिका के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये वर्ष जो है अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा और सबसे ज्यादा कैलामिटीज अमेरिका में ही विटनेस होंगी। आज का जो डेटाबेस है अमेरिका का, आप जाकर देखें उनके climate.government.us की वेबसाइट में, तो बताता है कि 2017 में जो चाहे वो इरमा हो या हार्वे हो, जितने सारे साइक्लोन्स आए थे और भी वाइल्ड फायर्स हुई थी, तो वो सबसे ज्यादा जो भी कैलामिटी का डैमेज हुआ था, जो बिलियन डॉलर्स डैमेज हुए थे, वो सबसे ज्यादा 2017 में हुए थे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं वो स्थान, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका के बीच से ये ग्रहण जा रहा था, वैसे ही अभी भी ये स्थिति है। 8 अप्रैल को अमेरिका में नीचे मैक्सिको से लेकर के ऊपर कैनेडा की तरफ निकलते हुए आयरलैंड को हिट करेगा ये ग्रहण। तो ये सारे एरियाज अभी भी आप देखें, अभी 1 अप्रैल के आसपास कैनेडा में वैंकूवर साइड में करीबन एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2111 भूकंप आए, और इतना ज्यादा हुआ कि साइंटिस्ट आर बैफल्ड ऑन दैट एरिया कि ये कहीं पे वैंकूवर का पार्ट स्लिट आउट करके इसको कनाडा से अलग ना कर दे। पूरा पैसिफिक ओशन पे ही बसा हुआ पूरा एरिया है। सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी देखिए हमारे जो पहले पैनलिस्ट है उन्होंने इसको समझाया कि किस तरीके से जो ग्रहण है वो आपके लिए एक नई खोज का विषय है, लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ये देखता है कि इसका असर धरती पर कितना होता है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? साइंटिफिक स्पिरिट से देखा जाए तो दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन, जहां पे काफी सारा खोज, डिस्कवरीज, रिसर्च का अपॉर्चुनिटीज होता है। इनको हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इसके साथ कुछ कैलामिटीज कुछ रिलेट हो सकता है, बट साइंस इसी को, बिकॉज दिस इज अ रेयर इवेंट, काफी सालों बाद ये सब होता है। जब चंद्रमा सूर्य एंड अर्थ के बीच में आ जाते हैं एंड ये काफी रेयर होता है, तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इसमें हो सकता है रिसर्च के लिए। बिल्कुल वानिया जी, सेलिब्रेशन की बात हो रही है, देखिए हम अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर होटल्स बुक हो गए हैं, तैयारियां हो रही, वहां पर एक्लिप्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मैं अगर एक शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये एक्लिप्स टूरिज्म भी बन गया, क्योंकि बाहर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इसको देखने के लिए। लेकिन भारत में टोटली अगर हम कहें ज्योतिषियों की या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट की पूरी धारणा इससे उलट है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। ग्रहण जो है एक घटना है, और ग्रहण का प्रभाव ना कि सिर्फ मानव जीवन पर, इसका जो प्रभाव है वो पेड़ों पर भी आता है, वो जानवरों पर भी आता है, यहां तक कि हम खाली ह्यूमन की, क्योंकि सूर्यदेव जो है हमारी लाइफ में हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, कहीं ना कहीं हमारी बोन्स का, आईसाइट का, हड्डियों का कारक है। तो अगर आप प्लांट्स में भी देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है ड्यूरिंग द एक्लिप्स, एक्लिप्स के टाइम पर। अगर आप जानवरों की बात करते हैं तो वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जो जानवर दिन में बाहर निकलते हैं जब अंधेरा आता है तो वो रात में बाहर निकलते हैं, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर अंधेरा हो जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। और यही जो कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं उस टाइम पर उजाला देख के, वो भी उस टाइम पर निकलने लगते हैं। तो जब प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, छोटे छोटे क्रीचर्स पर, बर्ड्स पर इतना इंपैक्ट आता है, तो इसका उसका जो इंपैक्ट है वो हम इंसानों पर क्यों नहीं आएगा? बहुत इंपैक्ट आएगा, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दो ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका सूतक काल जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य एक ही है, तो आप देखेंगे स्पेसिफिकली इसका इंपैक्ट वहां ज्यादा आएगा जहां पर टोटल एक्लिप्स है। बट आप देखें, बहुत सारे रेजिग्नेशंस डलेंगे, बहुत सारे लोगों की बॉसेस से भी लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल सत्ता में भी आप बहुत ज्यादा उथल पुथल और हेरफेर देख सकते हैं, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी इसका आ सकता है, फायर कैलेमिटीज जो अग्नि से रिलेटेड घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा आ सकती है, फॉरेस्ट फायर्स भी जो है वो भी इस ग्रहण से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। किस कुछ ना कुछ तरह के जो भी अर्थ मतलब कैलमिटीज, जो भी नेचुरल कैलमिटीज हैं, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आता है। ठीक है वाने जी, एक मिनट नंदिता जी, इस अब उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका होता है, क्या ग्रहण का हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही होता है? नहीं, देखिए ग्रहण, फिर मनीषी के पास जाती हूँ मैं, तो ग्रहण का इंतजार करती हूँ पर्सनली एज ए एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, एज ए स्पिरिचुअलिस्ट एज वेल, क्योंकि इस वक्त में आप किसी भी चीज को स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की हम बात करते हैं, कुंडली जागरण की बात करते हैं, रुद्राक्ष धारण की बात करते हैं, मंत्र साधना की बात करते हैं, जबरदस्त आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, कई गुणा आपको अधिक यहाँ पे उसका फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है, देखिए उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला
अल्लाह को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है, बुध का नक्षत्र है। आप ये सोचिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आज ही इंस्टा में एक स्टोरी पढ़ रही थी जहां पे पिट्सबर्ग में किसी साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके बोला कि समय बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है, सम पर्टिकुलर नेम दे हैव गिवन इट H1N5 समथिंग, वो इस समय पैंडेमिक का रूप ले सकता है, एग्रोवेट सडनली हो सकता है, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। और ये दो तीन उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, अमेरिका में आए, अमेरिका में इसका प्रभाव ज्यादा होगा, सैटेलाइट क्रैशेस या फिर हैकर्स के लिए समय बहुत ज्यादा एक्टिवेशन हो सकता है कि सिस्टम किसी का हैक हो जाए। जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मर्करी से रिलेटेड चीजें होती हैं वहां पे तकलीफ होगी। मर्करी दांतों का कारक, साइनस का कारक, ENT का कारक होता है, यहां पे भी प्रभाव हो सकता है, लोग आपस में एक दूसरे से क्लेश हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव साइड लाइक आई सेड, आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, शिव उपासना करिए, नारायण की उपासना करिए, इन सब चीजों के लिए तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। यानी कि नकारात्मक असर होता है, लेकिन हाँ ये मेडिटेशन के लिए अच्छा वक्त है, ज्योतिष इसको बता रहा है। लेकिन मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी, चाहे वो ज्योतिष हो या फिर विज्ञान हो, दोनों ही इसको एक बड़ी घटना मानते हैं, दोनों के देखने का नजरिया यानी कि चश्मा अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक बात भी कहते हैं और वो ये है कि बचाव। अब बचाव की बात जब हम विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो उस पर क्या तर्क है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी थी इम्पैक्ट की, तो मैं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता हूँ सोलर एक्लिप्स का। बात है साल 1919 की, टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। सर आर्थर एडिंगटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, उनने उसको ऑब्जर्व किया था, और वहां से ये माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसको प्रूव करने में उस सोलर एक्लिप्स की जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो एज अ फिजिसिस्ट, और अगर मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करूं, तो उनके लिए तो ये इवेंट सही में इतना बड़ा हो गया कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटकम हमें मिली कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ 1919 में जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी को प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मनीष जी एक मिनट, जरा नंदिता जी इसी पे एक जवाब देना चाह रही हैं। मनीष जी बिल्कुल, आपने जो बोला बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन उसी के साथ जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था कि वर्ल्ड हैड विटनेस्ड द फर्स्ट पैंडेमिक, जो जिसको हम रेफरेंस लेकर के आज हम उसकी स्टडी मारते हैं, वो पैंडेमिक भी आपका 1918 और 1919 में सबसे ज्यादा ट्रिगर करा था, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसी के आसपास, ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया कि मास बरियल्स हुए, मासेस में बिल्कुल जनमानस जैसे हम कहते हैं कि एक बिल्कुल भयंकर तरीके से एपिडेमिक भी नहीं था, पैंडेमिक था, और उसी पैंडेमिक का रेफरेंस लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहण का असर होता है, वो किस तरह से असर होता है, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक, लाइक हम भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है उससे भी आप बिल्कुल अलग नहीं हट सकते, वो भी होता है, और उस तरफ भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, जो मान्यताएं हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा था कि ऐसा भी हुआ है इतिहास में। अब बात करते हैं कि दोनों बातें मनीष जी, देखिए वही बात हम कह रहे का कारक है, राहु जो है रहस्य का कारक है, जब ग्रहण होता है तो उसमें राहु और केतु का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, तो जब भी कुछ चीज होती है तो जमीन से निकलती हुई एनर्जीज जो होती है, हम पातालीय एनर्जीज बोलती है, एक जनमानस के लिए इमीडिएट वो हिट कर जाती है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ उस तरह से रिसर्च करें, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक होता है, राहु डायरेक्ट कभी अटैक करेगा, इनडायरेक्ट अटैक करेगा, तो वही चीज है कि आप किसी भी सोच को, मतलब जैसे चंद्रमा इफेक्ट होता है, आप चंद्रमा एक जीनियस भी बन सकते हैं और पागल भी बन सकते हैं, इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ जीनियस एंड अ इनसेन पर्सन, तो वही चीज यहां पे ग्रहण करता है। एक आम जनमानस जो होता है वो साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास इतनी सारी एक्टिवेशन नहीं होती ये सारी चीजें सोचने की, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम ज्योतिषियों का जो हमारा वो ज्योतिषियों की अपनी गणना है और विज्ञान की अपनी, सावधानियां बरतने को बोलते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो ये अलग अलग होते हैं, कुछ पार्शियल होते हैं, कुछ एनुलर होते हैं, एनुलर जिसमें हमें रिंग ऑफ फायर दिखती है, जहां पर चांद की जो पोजीशन है धरती से वो इतनी परफेक्ट नहीं होती कि वो सूरज को कम्प्लीटली कवर कर ले। जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है, जब वो कंप्लीट डिस्क को छुपा लेता है, उस वक्त हम उसे नॉर्मल अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद के पार्ट को अगर हम सिर्फ नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे तो वो काफी हार्मफुल रहता है। तो मोस्टली जो हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है, वैसे तो अभी ये इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी कम्युनिटी इसको विटनेस करेगी, या फिर हम बात करें आने वाले समय में, जब 2030-2031 में इंडिया में भी सोलर एक्लिप्स जब विजिबल होंगे, पार्शियल या फुल सोलर एक्लिप्स जब आएंगे,
तो जो एक चीज का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आइदर वी शुड यूज द प्रॉपर फिल्टर्स जो होते हैं, प्रिस्क्राइब जो फिल्टर्स होते हैं, या फिर हम उनको देखें तो एक प्रॉपर एक विद द एक्सपर्टीज कोई वहां पर हो तो ही देखना चाहिए, सीधा नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। आपकी बात मैं हमेशा आगे कोट करने वाली हूँ, कभी भी इस बारे में चर्चा होगी तो। थैंक यू फॉर लाइक यू नो अलाइनिंग टू जो हम बात करते हैं उसी को आपने भी चरितार्थ समय की बात। सुप्रिया जी, जब हम बचाव की बात करते हैं तो तर्क आप उसमें क्या देंगे? देखिये, मेरे नजर से दोनों एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस दोनों पैरेलल है, दोनों का रेफरेंस फ्रेम अलग है, एक के साथ अलग, एक को मिक्स नहीं करना है। साइंस इसी को पॉजिटिव नजरिए में देखता है एंड साइंस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें काफी सारा खोज, काफी सारा न्यू डिस्कवरीज का संभावना है एंड इसमें हम कोई नेगेटिव इफेक्ट देखते नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसका इफेक्ट में कुछ हो रहा है पर वो कोरिलेट नहीं, साइंटिफिकली कोरिलेट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर आप इतना रिसर्च लेके चलेंगे तो अगर जिन एरिया में पाथ में अगर हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस एरिया में नेचुरल कैलामिटीज होंगी, तो आपके पास इतने सारे डेटाज हैं, इतने वेदर फोरकास्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की आप लोग डिस्कशन करते हैं, यू कैन एटलीस्ट मतलब उन जगहों में उन स्थान के लोगों को आगाह किया जा सकता है कि आप इस तरह की परेशानियों से थोड़ा सा बच के रहें। सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जिस पर एक महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगी, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देख रहिए गुड न्यूज़ टुडे।